थोड़ू तारू नीचे राख ना बका तारा कोई नहीं आगे नीलेश तारू नीचे राख तारा आगे कोई नहीं बका तो पाचर वाला नीचे कई का राहुल इकड़े बेन अपनी फरज नहीं आती क्या पेन लेने प्रिसाइडिंग ऑफिसर छो और सिंबल साथे भारतीय जनता पार्टी ना केम बेसी सके अपनी जवाबदारी नोती आ અત્યાર સુધી ચાલે શું જુઓ હું ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા ને અને ઇલેક્શન કમિશન ને કહું છું કે તમામ ગુજરાત ના બુથો પર આ વસ્તુ નું ધ્યાન રાખવામાં આવે આ સિમ્બોલ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી ના પોલિંગ એજન્ટો બેસે તમામ જગ્યાએ તો ઇલેક્શન કમિશન ઓફ ઇન્ડિયા અને ગુજરાત નું ચૂંટણી કમિશન શું કરી રહ્યું છે શું આજ રીતે ચૂંટણી ની ધાંધલી ચલાવવાની છે તમારે કોંગ્રેસ માટે નિયમો અને ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે કોઈ નિયમો નથી કઈ પ્રકારની આ પ્રક્રિયા લોકશાહી આજ સુધી દુનિયામાં આપણી વખાણી છે આ ધંધા કરવાના છે બોખલાઈ હુઈ ભારતીય જનતા પાર્ટી અપને સારે તંત્ર કા અપના એડમિનિસ્ટ્રેશન કા દુરુપયોગ કર રહી હે હર જગહ હમે પરેશાન કિયા જા રહા હે લોગ વોટ દેના ચાહતે હૈ ઇસસે ભાજપા પરેશાન હે વાસણગાંવ હે અમિત શાહ કી કોન્સ્ટિટ્યુએન્સી કા એસી થોડી સી દૂરી પે હે આપ એક કેમેરે લેકે જાઈએ क्यों आप वोटिंग बंद करवा देते हो भाई क्योंकि अमित शाह के खिलाफ वोटिंग हो रही है वोटिंग बंद हो जाएगी क्या कानून है बूथ के अंदर ना कोई सिंबल ले जा सकता है वो कानून है गुजरात के हर बूथ में भाजपा के पोलिंग एजेंट ये मेरे बूथ से आपके कैमरे के आंखों के सामने मैंने पकड़ा ये पेन है भाजपा के पोलिंग एजेंट के पास जहां यहां लिखा है नमो यहां सिंबल दिया है लोटस का और यहाँ मोदी जी का फोटो है अंदर लेके बैठे हैं अरे मोदी जी आपको फोटो से प्यार है मैं समझता हूँ पर चुनाव को कलंकित मत कीजिए इलेक्शन कमीशन को मेरी विनती है पूरी दुनिया में हमारे लोकतंत्र की एक प्रतिष्ठा बनी हुई है 16 चुनाव पहले हुए अरे शेषान जी जैसे इलेक्शन कमिश्नर थे जो सत्ता पक्ष को दो डंडे ज्यादा लगाते थे क्योंकि आप सत्ता में हो आपको कड़ा कानून का पालन करना होगा आज क्या हो रहा है वासन में बूथ बंद होते हैं हमने लिख के दिया था कि जो पाटन और बनासकांठा सटी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दोनों जगह से देख लो तो 3 साल से ऊपर से वहां से भाजपा के एजेंट की तरह काम करे हटाओ उसको क्यों नहीं हटाया जामनगर में एलसीबी का पीआई उसी डिस्ट्रिक्ट का है हटना चाहिए उसको आपने नहीं हटाया आज लोगों को पुलिस स्टेशन बुला के कल रात से 12 बजे से क्यों बिठा रहे हैं हमारी कंप्लेंट जाती है क्या इलेक्शन कमीशन सो रहा है क्या आप इस देश की डेमोक्रेसी को दुनिया भर में बेइज्जत करोगे पूरी दुनिया देख रही है हमारे लोकतंत्र को आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई ये आज हो रहा है मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप संज्ञान लीजिए सीओ मोटो इन मुद्दों के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कदम उठाए क्योंकि ऐसी धांधली नहीं चल सकती है लेकिन इन सभी धांधलियों के बाद मैं नमन करता हूं मेरे गुजरातियों को भले ही 2014 और 2019 में गुजरातियों ने एक उम्मीद के साथ सारी सीटें भाजपा को दी थी अब जब नतीजे आएंगे
को कोई मेरी वजह से नहीं, मेरे प्यारे गुजरातियों के आशीर्वाद, प्यार और समर्थन की वजह से पूरे गुजरात में हमारे लिए नतीजे अच्छे रहेंगे। थैंक यू।